वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। असद साहब, ये बताइए कि कश्मीर में जो पिछले कई महीनों से टारगेटेड किलिंग्स हो रहे हैं, खास करके हिंदू पंडित के जो लोग हैं वहाँ पे, शहरी है, रहते हैं वहाँ पे, एक एक करके उनको मारा जा रहा है, तो अब ये पंडित ने डिसाइड किया है कि वो कश्मीर वैली को छोड़ देंगे और जम्मू में वापस आ जाएंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन्स नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर्स जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात ये है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में, प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको, और ये हो गया कि रात में आपको जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है, और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्टोरल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मगर आप ये बताइए कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया, किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको गोली मारी जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी इसका, हमको बताएं, देश को बताएं। लेकिन नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है, और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहाँ के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है, आप पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ है ही नहीं वहाँ पर। चौथा, आप सिर्फ पिक्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपका काम सिर्फ पिक्चरों को प्रमोट करना है। देश चलाने का काम आपका है या पिक्चरों का पब्लिसिटी करना आपका काम है? अब बोलिए, आप रात में क्यों बंद कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के पूरे इलाकों को? ये पूरी गलती जो कुछ हो रहा है, ये गलती नरेंद्र मोदी की सरकार पैदा होती है। सर, ये आपने दो इम्पोर्टेंट बातें कही है, एक डिलिमिटेशन को लेकर और कश्मीर फाइल्स के पिक्चर को लेकर।